सोशल मीडिया इज़ सम प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत सारे सवाल के जवाब आपको मिल भी जाएंगे और जहाँ पर एक वॉर भी छेड़ी जा रही है। पॉपुलर टीवी स्टार रश्मि देसाई बिग बॉस सीजन 13 के बाद भी लगातार सुर्खियों में है और कारण है उनके एक्स बॉयफ्रेंड अरहान। जी हाँ, पहले तो रश्मि को बॉयफ्रेंड अरहान खान की असलियत के बारे में शो में ही पता चलना और फिर रश्मि देसाई का शो में ही अपने ब्रेकअप की घोषणा करना और अब बिग बॉस के घर के बाहर आने के 2 महीने बाद भी अरहान के साथ पैसों को लेकर कंट्रोवर्सी। जी हाँ, दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर यह खबर हुई वायरल कि जब रश्मि देसाई बिग बॉस के घर में थी तब अरहान खान ने उनके बैंक अकाउंट से निकाले थे कुल 15 लाख और इस बात की जानकारी खुद रश्मि देसाई के फैंस ने बैंक डिटेल के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की और अरहान खान को खरी खोटी सुनाते हुए उन्हें फ्रॉड भी बताया, जिसके बाद अरहान ने एक ऑनलाइन पोर्टल को दिए अपने इंटरव्यू में ये इल्जाम लगाया कि बैंक की डिटेल्स जानबूझकर रश्मि ने ही लीक किया है ताकि वो बदनाम हो सके। हालांकि रश्मि ने इस बात को सिरे से नकारा ये कहकर कि उन्होंने अपने बैंक डिटेल्स सिर्फ अपनी टीम के साथ शेयर किया था, उन्हें नहीं पता कैसे ये लीक हुए। वेल, रश्मि और अरहान की ये कंट्रोवर्सी यही नहीं थमी और इस पूरे मामले पर रश्मि देसाई ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सोशल हैंडल पर अपना आक्रामक रूप दिखाया। पहले तो रश्मि देसाई ने ये कहा कि सच को कितना भी छुपा लो वो ज्यादा दिन तक छुपता नहीं और फिर रश्मि ने एक के बाद एक किए कई ट्वीट जिसमें रश्मि ने लिखी अपने दिल की बात अपने बिंदास अंदाज में। रश्मि ने पहले ट्वीट में लिखा कि ये किराए पर पानी फिर गया, मुझे किसी को कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। आई एम ए सेल्फ मेड वुमेन, मुझे लगा कि मुझे प्यार है बट थैंक गॉड फॉर ऑल पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी जिन्होंने मुझे बचाया और मुझे इतना कुछ सिखाया। रश्मि ने फिर लिखा तो उस नोट पर मुझे कुछ भी पछतावा नहीं क्योंकि लिविंग का मतलब है कि मुझे ये विशेषाधिकार प्राप्त है, मैंने खुद का एक घर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। सो थॉट टू शेयर माई हाउस विद द वन आई लव सिंस दैट पर्सन, ओह वेल नेवर माइंड, समझ जाओ समझने वालों। आई थिंक खत्म तो ऑलरेडी सब हो चुका है, आई डोंट थिंक सो वी विल बी मीटिंग एंड कुछ कम्युनिकेशंस हुए हैं क्योंकि एक साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, साथ रहे, वक्त बिताया है, समझा है और पूरी तरह से नहीं समझ पाई मैं, तो वो सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए थोड़ी बहुत मैसेजेस और फ़ोन पे कॉल्स पे बातें हो गई है एंड आई थिंक इट्स ऑल सॉर्टेड डन। नहीं उतने नहीं जितना आप इमेजिन कर रहे हैं, हार्डली आई थिंक एक बार बात हुई आने से के बाद, बट आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू मीट एंड आई हैव नथिंग टू कम्युनिकेट विद हिम। इतना ही नहीं, रश्मि ने आगे लिखा, मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, मेरे मेहनत की कमाई जो मैंने खो दिया है उसे फिर से कमाने के लिए और अधिक मेहनत करूंगी क्योंकि दूसरों की तरह मैं लोगों को यूज नहीं करूंगी। और अपने लास्ट ट्वीट में रश्मि ने लिखा, मैं मेरे दोस्तों, परिवार और जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूं, उन सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करती हूं और ये भी कहा कि मैं धन्य हूं कि आप सभी मेरी जिंदगी में हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि रश्मि देसाई के इस बिंदास ट्वीट के बाद उनके एक्स बॉयफ्रेंड अरहान खान का क्या रिएक्शन आता है।